कोरोना से निपटने के लिए साफ सफाई सावधानी सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि फिलहाल यही बचाव है, अंतिम तरीका है कोरोना का रोकने का। देश इस तरह से कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना की धुलाई कर रहा है, क्योंकि कोरोना से सावधानी ही बचाव है। कोरोना के कहर को देखते हुए राज्य सरकारें सतर्कता बरत रही हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कहीं भी कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले, इसके लिए बसों, बस अड्डों, ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के ISBT की तस्वीरें हैं। कोने कोने में केमिकल का छिड़काव हो रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कितनी गंभीर है और सरकार की तैयारी कैसी है, ये दिखाने के लिए मैं आपको ISBT लेकर के आया हूँ। सिविल लाइंस के पास ISBT का, जहाँ पर दिन भर में हजारों यात्री एक जगह से दूसरे, यानी दिल्ली ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी सैर करते हैं और वहाँ के लिए आते जाते हैं, तो उनके बीच में इस ISBT की जो तैयारी है वो आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर परिवहन विभाग ने तमाम जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, प्रक्रिया है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, पूरे इलाके में स्प्रे हो रहा है। सिर्फ बस अड्डे ही नहीं बल्कि बसों के अंदर और बाहर भी स्प्रे किया जा रहा है। 24 घंटे 20 से 25 कर्मचारी बसों और बस अड्डे को सैनिटाइज कर रहे हैं। यात्री कम से कम 1 मीटर का फैसला रखे। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें। दिल्ली के सबसे बड़े बस टर्मिनल पर जहां हजारों की भीड़ आती है, वहां पर कोरोना के खतरे से इंतजाम कैसे हैं वो मैं दिखाऊं। ये एक बस है जो इस इंटरस्टेट टर्मिनल पर जम्मू कश्मीर से आई है। हर बसों में, अब तक सिर्फ दिल्ली के बसों में डिसइंफेक्शन किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार का फैसला ये है कि दिल्ली के बाहर से भी जो बसें आ रही हैं ISBT पर, हर बस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इस पर केमिकल स्प्रे हो रहा है और साथ ही मैनुअल सफाई हो रही है। ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो भी मास्क और ग्लव्स के साथ पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि तैयारियों के साथ, कि कहीं कोई खामी ना रह जाए। बस के अंदर भी सफाई की जा रही है, ये पूरा स्प्रे किया जा रहा है सीट पर, सीट के आसपास का इलाका, और साथ ही अगर मुसाफिर खड़े होते हैं तो ये रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा रोकने के लिए पिलर से लेके रेलिंग तक हर हिस्से की पूरी तरह से सफाई, ये मुस्तैदी इसलिए ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। भारतीय रेलवे भी ट्रेनों से कंबल और पर्दों को सफाई के लिए हटा रहा है। रोजाना 40 डिग्री तापमान पर कंबल सैनिटाइज किए जा रहे हैं। हर दिन नेफ्थनील बॉल्स की मदद से 1200 कंबलों की सफाई हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। यही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी कोरोना नाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। जम्मू में माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन कटरा में भी कोरोना को लेकर सफाई अभियान और तेज हो गया है। आज कटरा के रेलवे स्टेशन पर स्वराज, हेमकुंड और श्री शक्ति 3 ट्रेनों से पर्दे कंबल निकाल दिए गए हैं और उनको सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना को हराया जा सके। और यह झारखंड के रांची की तस्वीरें, यहाँ भी ट्रेनों के सभी AC कंपार्टमेंट में पर्दे कंबल और बिस्तरों को हटाया गया है और ट्रेनों के अंदर 25 डिग्री तापमान रखा गया है। कोरोना के खिलाफ ये देश की तगड़ी लड़ाई है और इसे साफ सफाई और सावधानी से ही जीता जा सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।